हेलो, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो ये है आज बुधवार का दिन, और मेरा जो रूटीन है, किस तरह से मैं अपने फटाफट से काम करके फ्री हो जाती हूँ और फिर अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ एक्स्ट्रा कामों के लिए। तो ये है मेरा, मतलब अभी जो है मेरा झाड़ू वगैरह लग रहा है, और ये मैंने बिस्तर वगैरह उठा दिया है सुबह सुबह। सुबह सुबह ना बिस्तर वगैरह उठा दें तो सारा का सारा काम जो है वो अपने आप ही आसान हो जाता है, क्योंकि सुबह उठने के बाद ही अपना बिस्तर जो है वो उठा देना चाहिए। क्योंकि जब काम और होते हैं ना, तो फिर जब बिस्तर फैला हुआ हो तो अच्छा नहीं लगता और काम करने को भी मन नहीं करता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह जल्दी जल्दी तो नहीं मैं उठती हूँ, 7, 7:30, 8 बजे तक मैं उठती हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने झाड़ू वगैरह अभी लगाना है। मैंने बिस्तर वगैरह उठा दिया है, उसको साफ़ कर दिया है, चद्दर जो है वो मैंने झाड़ दी है। अब है इनकी बारी पीड़ा सेट की। तो ये मैं गद्दियाँ वगैरह, और ये जो देखो मैक्स क्या कर रहा है साथ में, ये भी साथ साथ में ही चला रहता है। तो ये भी मैं झाड़ झूड़ के जो है वो अच्छे से इनको सेट कर दूंगी। तो इस तरह से फिर मैं इनके जो कुशन कवर है ना, ये भी मैं ऊपर मतलब झाड़ झूड़ के रख दूंगी। तो इसी तरह से फिर मेरा जो मॉर्निंग का है ना, साफ़ सफाई का काम हो जाता है। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। तो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी उनको, साथ साथ मैं उनका लंच भी तैयार कर लूंगी। तो लंच वो ले जाएंगे और वही मुझे दोपहर को भी खाने को हो जाएगा। तो दोपहर को मैं नहीं बनाऊंगी खाना, क्योंकि मैं अकेले किसके लिए बनाऊंगी? खुद के लिए तो वो फिर मैं सुबह ही रेडी कर लेती हूँ अपने लिए। और यहाँ पे फिर मेरी डस्टिंग वगैरह भी हो गई है, मतलब हो नहीं गई, अभी हो रही है डस्टिंग। फ़ोटो वगैरह जो भी है सारा साफ़ कर लूँगी, और अभी ना लाइट भी चलेगी, क्योंकि आजकल ना कुछ टाइम मतलब 3-4 दिन से ना लाइट सुबह सुबह ही चली जा रही है, और अब देखो कितना अंधेरा हो गया है यहाँ पे। तो लाइट का ना बहुत ज़्यादा स्यापा है यहाँ पे ना, पता नहीं अभी हो रहा है 2-3 दिन से। तो यहाँ पे मैं जो है वो डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है वो मैं खाना बनाऊंगी उनको, नाश्ता, और जो लंच है उनका वो साथ में ही उनको रेडी करके उनका टिफ़िन दे दूंगी। तो यहाँ पे वो चले गए हैं, और उसके बाद ना झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद जो है वो थोड़ी देर के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। अभी जो है वो मैं कपड़े वगैरह भी जो मैंने धोए थे सारे तय तो लगा के प्रेस करके सारे उनकी अलमारी में रखते हैं। ये सारा काम जो है ना वो मैं सुबह सुबह ही निपटा लेती हूँ। कपड़ों का प्रेस तो मैं जैसे दिन में कर लेती हूँ, लेकिन ये प्रेस मैंने करके टोकरी में रख दिए थे सारे कपड़े, लेकिन अलमारी में नहीं लगाए। तो ये कपड़ों का काम जो है मैं सारा लंगारा सुबह सुबह ही उठा देती हूँ, उनके कपड़े उनकी अलमारी में रख दूंगी। और ठंड तो इतनी ज़्यादा है ना कि हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, पैर भी ठंडे हो रहे हैं। अब जो है वो मैं यहाँ पे अपनी जराबें डाल रही हूँ, क्योंकि चप्पल डाल के ऐसे नंगे पैर नहीं रहा जा रहा है। और अब लगा रही हूँ मैं पोचा, क्योंकि झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया था उनके जाने से पहले ही। अब जो है वो पोचा का काम रह गया था, तो पोचा यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे ना ये जो आप देख रहे हैं, ये मैटिंग की हुई है हमने, बहुत ज़्यादा पुरानी ये मैटिंग है। कम से कम इसको कोई 13-14 साल हो गए हैं मैटिंग को। बहुत अच्छे से ये मैटिंग रही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं से ख़राब हुई है, लेकिन वैसे ठीक ही है। तो ये यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी पोचा लगा देती हूँ। तो पोचा मेरा हो गया है, लेकिन अब मैं पीऊँगी चाय, और ये मेरी चाय बन रही है। चाय पीने के बाद चली गई थी मैं थोड़ी देर के बाद ही नहाने। तो अब जो है वो पहले मैं बाल सुखा रही हूँ बाहर धूप में, क्योंकि उसके बाद मेरी पूजा भी होगी। तो बाल बाल थे गीले, बुधवार का दिन था, बाल भी धोने थे। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा करने। तो बस फिर अभी मेरा सारा का सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि झाड़ू पोछा, जो कपड़े थे अलमारी वगैरह में रखती हैं, लंच जो है वो उनको पैक करके दे दिया था, नाश्ता हो गया है, झाड़ू पोछा सब कुछ रेडी। उसके बाद जो है वो नहा धो के फिर पूजा। तो ये देखो इतनी आसानी से मेरे सारे काम हो जाते हैं। और बस फिर पूजा करने के बाद जो है वो मैं अपनी कंघी वगैरह करूँगी, और फिर बाहर थोड़ी देर धूप में बैठूँगी। तो अभी जो है वो बांकों को भोग लगेगा, और फिर पता है जो अंदर वाला बिस्तर है ना, उसको मैं नहीं उठाती हूँ, मतलब झाड़ झूड़ के फिर से उस बिस्तर को मैं वैसे ही बिछा देती हूँ, क्योंकि दिन में कभी कभी बैठना पड़ जाता है। और कई बार क्या होता है कि बाहर भी पूरा दिन, ये देखो मेरे बांकू जी के दर्शन आज के, इन्होंने ब्लू और वाइट कलर की स्वेटर डाली हुई है। तो हाँ जी, तो मैं ये बात कर रही थी कि जैसे मैं नीचे कंघी करने आई, यहाँ पर कंघी कर लूँगी, फिर उसके बाद ही धूप में बैठूँगी। तो यहाँ पर ना मेरा जो आप बिस्तर देख रहे हैं ना, तो ये बिस्तर मैं ऐसे ही झाड़ झूड़ के फिर से बिछा देती हूँ, ऐसे ही रजाई और रजाई के ऊपर कंबल। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मन कर जाता है कि नहीं अब चलो बिस्तर में बैठते हैं, ठंडियों के दिन है, ठंडियों में तो पूरा दिन बाहर भी नहीं बैठ सकते।
तो फिर कभी बिस्तर में बैठ के तो फिर रजाई वगैरह फोल्ड करके रखी हो तो मन नहीं करता है कि अब उसको निकालें। तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे ही इस बिस्तर को बिछा के रखती हूँ, झाड़ झूड़ के फिर से बिछा देती हूँ और एक बिस्तर मैं बाहर लगा देती हूँ जैसे बैठना हो, तो उसको तो मैं सुबह ही फोल्ड करके रख देती हूँ और इस बिस्तर को फिर से वैसे ही बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कंघी वगैरह हो गई है, तो अब थोड़ा सा टचिंग वचिंग भी कर लेते हैं, लिपस्टिक वगैरह। और तो क्या मेकअप करना, घर में क्या ही मेकअप होता है, बस लिपस्टिक और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ फेस पे। और वैसे भी आजकल सर्दियों के दिन चले हैं तो हाथ और ये तो ऐसे ही मतलब रूखे रूखे से लगते हैं, फेस भी और हाथ भी। तो बस ये एक बिंदी सिंदूर और थोड़ी सी लिपस्टिक, और ये पिंक कलर की कोटी मैंने डाली है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल मतलब इतनी गर्म भी नहीं है इतनी ठंडी भी नहीं है, तो अच्छी लगती है मुझे। आपको कैसी लगी आप बताना प्लीज़। और ये देखो मेरे बाल भी बड़े हो रहे हैं ना, तो अभी मतलब 4-5 महीने पहले बिल्कुल छोटे से थे और अभी बढ़ गए हैं, तो अब मैं फिर से कुछ करूँगी इन बालों का। मतलब सोच रही थी कि थोड़े थोड़े कटवा लूँ या फिर देखती हूँ क्या करूँ मैं। तो बस अब होगी मैं रेडी। तो यहाँ पे ये देखो टाइम हो रहा है 11:30 और पूरा का पूरा काम जो है मेरा ख़त्म हो चुका है, और मतलब जो डेली का काम होता है वो ख़त्म हो चुका है सारा। तो अब जो है वो बस फिर थोड़ी देर धूप सेकने के बाद नीचे आ गई थी मैं अपनी क्यारियों में, यहाँ से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा साग जो है वो काट लूँ, छुरी से काट रही हूँ। ये पालक है ना, और थोड़ी सी सरसों, मूली के पत्ते और धनिया और सौंफ, तो ये मैं ले लूँगी। और आज मन कर रहा था कि साग बनाऊँ, वैसे कल बनाते हैं ना लोहड़ी के अगले दिन बनाते हैं साग, मतलब मकर संक्रांति जो होती है ना उसके अगले दिन जो है वो हमारे हिमाचल में साग बनाते हैं। तो कल तो मैंने नहीं बनाया लेकिन आज जो है वो मैंने सोचा कि चलो आज काट लेती हूँ यहाँ से। तो बस ये पालक, सरसों के पत्ते और मूली, सौंफ, धनिया इस तरीके से, फिर मैं थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ये सब डाल के जो है वो साग बना लूँगी। तो यहाँ पे फिर ये देखो मैंने ना इतनी मतलब लेट उठती हूँ फिर भी मेरे सारे काम हो जाते हैं, पर जब बच्चे छोटे थे तब तो मैं भी जल्दी उठा करती थी, और बच्चों को स्कूल भेजना, खुद भी जॉब पे जाना, हस्बैंड को भी टिफ़िन देना, उनको भी जाना, तो सारे काम वो भी एक टाइम था। लेकिन अब जैसे बच्चे बाहर निकल गए हैं ना तो अब अकेली हूँ, तो फिर भी लेकिन काम तो वही है ना, बस ये होता है कि खाना, और ये कम हो गया है कि 2 बंदों का ही खाना बनता था, उस टाइम 4 बंदों का बनता था, तो इस तरीके से बच्चे को टिफ़िन देना होता था, लेकिन वो काम ख़त्म हो गया। लेकिन काम तो वही है, झाड़ू पोछा ये वो डस्टिंग वो तो वही के वही रहते हैं काम। तो इस तरीके से फिर ये मेरा सारा काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है लेट उठने के बाद भी। और ये यहाँ पे मैंने ना सारा साग जो है वो धो दिया है, बहुत मतलब 2-3 पानी से धोया है, टप में धोया, खुले पानी में, ताकि जब बनाऊँ इसको तो थोड़े कई बार ना जर्क जर्क होती है जब खाते हैं, तो अच्छी तरह से धुला हो ना तो मिट्टी के कण नहीं रहते हैं फिर। तो यहाँ पे धोने के बाद जो है वो इसको धूप में सुखा लूँगी थोड़ी देर के लिए, पानी जो है वो इसका निकल जाएगा। तो अब मैं भी फिर दोपहर का नाश्ता, सॉरी दोपहर का लंच करूंगी, और उसके बाद थोड़ी देर जो है वो बिस्तर पे बैठूंगी। वो बता रही थी ना मैं आपको कि बिस्तर ऐसे लगा, वो अंदर जो दूसरा रूम है ना उस पर लगाए रखती हूँ, लेकिन जो ड्राइंग रूम है ना उसमें मैं नहीं लगाती हूँ, उसको तो उठाना ही पड़ता है। हेलो जी, जय श्री राधे। ये कैमरे को पत्नी क्या होता रहता है इसको। तो अभी मैं लगी हूँ खाना खाने, दोपहर के बज रहे हैं 2:30, भूख ही नहीं लगती है। मतलब जैसे 1:30-12 बजे तक पहले मेरे को भूख लग पड़ती थी, अब मेरे को भूख उतनी जल्दी नहीं लगती क्योंकि सुबह थोड़ा लेट खाना होता है, तो उस टाइम में खाती हूँ, फिर 2-2:30 बजे कभी 3 भी बज जाते हैं। तो अभी बस खाना खाऊंगी, और खाने में मैं खा रही हूँ आलू गाजर मटर की, जो सुबह बनाए थे उनको टिफ़िन भी दिया था, और अभी जो है मैं खाना खाऊंगी। आज मिर्ची बहुत तेज़ होगी, साथ में ले रही हूँ चाय, और फिर अभी नीचे जाऊंगी, जो मैंने साग रखा ना वो उसको काटूंगी, अभी धूप में पानी वगैरह उसका निकल गया होगा, अभी उसको काटूंगी बाहर बैठ के। तो ये देखो आप, चाय, आलू मटर, गाजर, पत्ते। बस फिर ये जो साग था ना इसको मैंने थोड़ी देर धूप में रखा था और खुद कर लिया खाना खाने के बाद आराम, अंदर बिस्तर पे लेट गई थी, 1-1.5 घंटा आराम किया। उसके बाद अब फिर से मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने साग काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सारा जो है वो पानी इसका निकल गया है। तो अभी बस साग भी काटूँगी और फिर
फिर उसकी मैं रेसिपी देती हूँ आपको कि मैं किस तरीके से साग जो है वो बनाती हूँ। एक बार मैंने पहले भी इसकी रेसिपी दी है, बहुत पुरानी वीडियो में एक दो बार दी है उसको, शायद हाँ दी है मैंने। तो अभी चलो फिर से दोबारा मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से ये साग बनाती हूँ। साग जो है ना, मतलब जैसे अभी मैं बनाऊंगी इसको, कुकर में डालूंगी, लेकिन खाएंगे नहीं अभी ये ना, जैसे दूसरे दिन खाएं ना इसको, दो तीन दिन तक ये चलता है, और जितना मतलब चलेगा उसी हिसाब से इसका फिर टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ताज़ा ताज़ा जैसे अभी बनाया, अभी खाया ना, तब इतना टेस्टी नहीं लगता है। तो ये यहाँ पे मैं कुकर में ये सारा जो है वो साग डाल दूँगी, और मेरा कुकर ना ये इस पर मत जाना आप, तो ये मेरा मतलब इसको मैं ना चूल्हे पर भी रख देती हूँ, तो साफ भी करती हूँ, लेकिन नीचे से ये होता नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी कि मेरा ये कुकर जो है बिल्कुल काला हो चुका है, तो इसके में ना सीटी बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन दूसरे जो कुकर है ना वो मैंने उठा दिए हुए हैं, वो बड़े बड़े हैं। छोटा कुकर भी है एक, लेकिन उसमें ये साग आना नहीं था, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ। और अब इसमें मैं ये सारा सामान जैसे हल्दी वगैरह डालूंगी। तो ये देखो मैंने अदरक जो है वो कद्दूकस करके रख लिया है, और लहसुन की कलियाँ भी इसमें डाल दूंगी, और साथ में मैं डालूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, अदरक, ये सारा जो है वो मैं ऐसे साबुत ही डाल दूंगी। अदरक को ही मैंने कद्दूकस किया हुआ है, और मिर्चें भी मैं साबुत ही डालूंगी। लेकिन जब ये साग हो जाएगा ना, फिर इसको घोटेंगे ना डंडे से, तब इसका जो हरी मिर्चें होती हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब वो भी साथ में ही जो है वो इसको मैश हो जाती हैं। तो ये हल्दी डाल दी मैंने, नमक डाल दिया, अब थोड़ी सी मेथी डालूंगी मैं इसमें। नमक अपने मतलब टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी है। तो ये मैं थोड़ी सी मेथी डालूंगी, साबुत मेथी, और इसके बाद मतलब मेथी जो है वो बाया नहीं करती है, और ये थोड़ी सी अजवाइन डाल दूंगी। इनसे क्या होगा कि ये साग जो है वो मतलब बाया नहीं करेगा। और फिर मैं डाल दूंगी इसमें, ये चावल धो के रख लिए, थोड़ी से डालेंगे मतलब कोई आधी कटोरी के जितने ये चावल भी डाल दूंगी। अब जो है इसका कुकर का ढक्कन चढ़ाऊंगी और इसको रखूंगी गैस के ऊपर। तो इस तरीके से फिर मेरे ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं कर लेती हूँ सुबह लेट उठने के बाद भी। और ये फिर मैंने पानी डाल दिया कम से कम कोई एक जग के करीब, और ढक्कन चढ़ा देंगे, फिर गैस के ऊपर रख देंगे और 4-5 विसल तक इसको पकाएंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो मेरी, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।